क्या दिल्ली का फेमस खाना उड़ा देगा मेरे होश? लेट्स फाइंड आउट। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स चैलेंज, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ दिन और रात, सुबह और शाम, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का फेमस खाना। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स ब्रेकफास्ट टाइम गाइस, और ब्रेकफास्ट में मैं खाने वाली हूँ दिल्ली का सबसे फेमस ब्रेकफास्ट, जो कि होता है छोले भटूरे। और छोले भटूरे खाने के लिए मैं आ गई गाइस पहाड़गंज के सीताराम दीवान चंद वालों के यहाँ, जहाँ पे बताया जाता है मिलते हैं इंडिया के सबसे फेमस छोले भटूरे। वैसे तो दिल्ली में हर घड़ी नुक्कड़ में आपको छोले भटूरे खाने को मिल जाएंगे, बट इनके हैं सबसे ज़्यादा फेमस, और यहाँ पे लिखा भी है स्पेशलिस्ट इन चना भटूरा। इनके गाइस गूगल में 16,000 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ है, तो चले चल के देखते हैं कि वाकई इनके छोले भटूरों में ऐसा जादू है कि खाते ही मेरा दिल भी हो जाएगा गार्डन गार्डन से कम। सो गाइस, मैं अपनी लाइन में लग चुकी हूँ, और यहाँ पे छोले भटूरे लेने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। इतनी भीड़ है कि जब तक अंदर की भीड़ ख़त्म नहीं होती तब तक ये लाइन आगे भी नहीं बढ़ती। एंड गाइस, यहाँ पहाड़गंज की तंग गलियों में अगर आपको वाकई छोले भटूरों का जायका उठाना तो यहीं आइएगा, और इनकी कोई भी ब्रांच नहीं है। थैंक यू। ओके गाइस, तो हमने अपना टोकन जो है ले लिया है, चलिए अभी टोकन लेते हैं और भटूरे खाते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको छोले भटूरे की प्लेट लगा दी जाएगी। यहाँ पे देखिए, ये पहली बात तो भटूरे बढ़िया मस्त गर्मा गर्म हो रहे हैं, और ये भैया ये देखिए, ये इनके दिखाइए छोले, और ये इनके आलू की सब्जी है, और ये देखिए आलू के साथ आगे एकदम ये मसाले वाले छोले छोले, इसमें गई इनकी हरी हरी मस्त मस्त चटनियाँ, एंड यहाँ पे अचार वचार भी आ चुका है। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू भैया। तो ये देखिए गाइस, ये आगे मेरी 90 रुपीज़ के छोले भटूरे, जहाँ पे मैंने पूरी प्लेट ली है उसमें आपको दो दो भटूरे मिलेंगे, साथ में देखिए छोले हैं एकदम मसालेदार, चटनी प्याज अचार वचार रखा हुआ है, यहाँ पे अलग से भी आपको अचार वचार दे देते हैं। तो सबसे पहले तो ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इन छोले भटूरे में ऐसा क्या जादू है। एंड गाइस, यहाँ पे देखिए ये जो इनके भटूरे ना, अरे वाह क्या बात है, ओ हो ये तो कमाल ही हो गया। देखिए क्या मस्त जीरे की, धनिए की, पनीर की फिलिंग करी हुई है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके देखिए, चटनी वाले छोले हैं इनके, इनके जो छोले हैं ना गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखिए कितने लपटवे टाइप के छोले बनाए हैं, और चटनी का जो जादू है इन छोलों के अंदर वाकई काबिल तारीफ है। मतलब ये छोले एकदम मसालेदार है बट फिर भी तीखे नहीं है, और इतने बढ़िया पके हैं कि मुंह में जाते ही एकदम से छोले घुल जाते हैं। भटूरा है यहाँ पे, आपको फूला फूला मस मस वाला भटूरा नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पिचका हुआ भटूरा देते हैं, ये पहले बना के रखते हैं उसके बाद तवे पे रीहीट करके आपको ये भटूरा दिया जाता है, बट फिर भी मैं बोलूँ बिल्कुल भी स्ट्रेची भटूरा नहीं है। अगर आपको वो फूले फूले गोल गोल भटूरे खाने की आदत है तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे आपको मिलेंगे। वैसे इनकी भी मजबूरी है, भीड़ तो आप देख ही सकते हो, अगर यहाँ कढ़ाई लगा के भटूरे तलने लगे ना तो पहाड़गंज से नई दिल्ली तक लाइन पूरी की पूरी लग जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे ये फिलिंग वाले स्टफ भटूरे दिए जाते हैं। इट्स लंच टाइम गाइस, और लंच में मैं खाने वाली हूँ दिल्ली का मशहूर पंजाबी खाना, एंड पंजाबी खाने की बात चल रही हो तो कैनॉट प्लेस के काके द ढाबा का बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इनके गूगल में 16,000 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ है, एंड यहाँ पे बताया जाता है कि इनका सारा का सारा खाना देसी घी में बनता है, तो चलो चल के देखते हैं कि इनके जायकों का लुफ्त हमें कैसा लगता है, तो आ जाओ। सो गाइस, यहाँ अंदर घुसते ही देखें, यहाँ पीतल के बर्तनों में सारा खाना जो है मस्त मस्त बना हुआ रखा हुआ है, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी सब्जियाँ देखने को मिल जाएंगी, एंड मुझे तो खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही कि वाकई मतलब अब मुझे ना मेरे पेट में चूहे से घूमने लगेगी कि जल्दी से मैं खाना ऑर्डर करूँ। सो गाइस, ये देखें टेबल पे मेन्यू यहाँ हर टेबल पे लगा के रखा हुआ है, जो जो आपको ऑर्डर करना है। भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी से ऑर्डर करिए और आपका खाना आपकी टेबल पे हाजिर हो जाएगा। और एक चीज़ मैंने देखी कि मेन कैनॉट प्लेस के अंदर इनका ढाबा लोकेटेड है, इतनी महंगी और इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे होती, बट फिर भी इनके जो रेट्स हैं बहुत ज्यादा रीजनेबल हैं। एंड गाइस, चलिए अब हम ऑर्डर करते हैं। भैया आप ऑर्डर लेंगे तो हमें तो ये पहले बताओ सबसे बेस्ट कौन सा है आपका वेजिटेरियन में, वेजिटेरियन में पनीर में सबसे बेस्ट क्या है? शाही पनीर, तो एक प्लेट शाही पनीर हो जाए, और वो जो एक एकरी, तो एकरी की ग्रेवी और शाही पनीर की ग्रेवी अलग अलग रहेगी ना, मतलब कलर भी अलग रहेगा, एक रहेगा अलग अलग, तो एक प्लेट एकरी और मेरे को एक पुदीना पराठा,
जरा कड़क करवा दीजिएगा। ये देखिए गाय ऑर्डर फटाफट दे दिया है, हमने आते ही यहाँ पे सोच लिया था कि हमें यहाँ पे क्या ऑर्डर करो। और देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी टेबल पे सैलेड वैलेड आ जाता है जिसके अंदर प्याज है, चटनियाँ है और मसाले वसाले, नींबू शिम्बू भी दिया है। लाइन इतनी लंबी चौड़ी लग चुकी है बाहर कि बस आप फटाफट से खाना खाओ, अपने जायकों का लुत्फ लो और फिर चलते बनो यहाँ से। एंड ये देखिए यहाँ पे तो एक करी हमारी सर्व भी हो गई है गाय, देख रहे हैं क्या गजब की दिख रही है। एक प्लेट एक करी के अंदर दो दो अंडे आए हैं और ये ग्रेवी, अरे वाह मटर भी है। अरे यार एकरी के अंदर मटर तो हम पहली बार देख रहे हैं, मटर तो देखते ही मेरा दिल वाकई गार्डन गार्डन हो गया गाइस, इसके लिए मैं इसको पूरे नंबर दूंगी। जस्ट लुक एट दिस, बातें करते करते खाना आ गया। ये आप जो देख रहे हो ना गाइस, ये पूरा का पूरा देसी घी में खाना बना हुआ है। और यहाँ पे आ गया मेरा शाही शाही पनीर, एंड जस्ट लुक कितने सारे पनीर के पीसेस भी डाले, इतने बड़े बड़े पीसेस हैं। ओह माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस नाउ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय रोटी टू कम। सो गाइस यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा खाना सच चुका है। ये देखिए रोटियों में हमने मंगाई है मस्त पुदीना का लच्छा वाला पराठा, इतना गजब का लग रहा है। इसके ऊपर भी जो है इन्होंने बहुत सारा घी ब्रश अप करा है। सबसे पहले तो गाइस मैं मेरा फेवरेट शाही पनीर ही खाना पसंद करूँगी। ओके थोड़ी सी ग्रेवी भी लगा ली जाए। हम मुंबई के अंदर जो दिल्ली का ऑथेंटिक इंडियन पंजाबी खाना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप इसकी ग्रेवी देखिए गाइस, इतनी थिक इतनी क्रीमी इतनी लशस ग्रेवी है, और इसके ऊपर भर भर के जो है देसी घी भी डाला हुआ है। एंड ये जो ग्रेवी है गाइस, ये काजू एंड टमेटो पेस्ट से बनाई गई है, तो क्योंकि काजू के टुकड़े भी आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखिए काजू के टुकड़े भी डले हुए हैं, प्लस काजू का पूरा पेस्ट भी इसके अंदर यूज़ करा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा रिच ग्रेवी है। टमेटो का हल्का सा टैंगी टैंगी स्वाद आ रहा है, काजू की जो है मिठास आ रही है, वाकई जो बैलेंसिंग है ना खट्टे मीठे की और हल्की सी तिखाहट भी इसके अंदर है, वो वाकई माइंड ब्लोइंग है। बहुत गजब की ये शाही पनीर इन्होंने बनाई है। अब करेंगे हम टेस्टिंग अपने अंडा करी, ये देखिए, और अंडे के साथ ही जो मटर पनीर की कॉम्बिनेशन दी है। एक्चुअली ये मटर तो मैंने अंडा करी में कभी भी नहीं खाई है, आज मैं फर्स्ट टाइम जाके अंडा करी में अपनी मटर खाऊंगी। तो चलो पहले तो मैं ये, और आलू भी है गाइस इस अंडा करी के अंदर, देखो आलू भी दिया हुआ है। ओ माय गॉड ग्रेवी टेस्ट करते, अंडा तो अंडा ही होता है, सब जगह अंडे का स्वाद एक जैसा ही होता है। इतना फर्क है इन दोनों ग्रेवी में गाइस, टमाटो की ग्रेवी है और जो अंडे की ग्रेवी, अगर आप ध्यान से देखोगे ये है प्याज वाली ग्रेवी। इसमें प्याज को ना खूब देर तक भुना गया है देसी घी के अंदर, और जब वो तेल और घी छोड़ देता है उसके बाद ये ग्रेवी में मसाला वसाला भूनता जाता है। बहुत अमेजिंग है अंडा करी बन के आई है गाइस। इनका जो पुदीने का पराठा है ना, इतना फ्लेकी है, इतना फ्लेकी, इतनी लेयर्स है इस पराठे के अंदर कि मतलब फोटो वोटो खींचते भी रहे उसके बाद भी ये बिल्कुल सौगी नहीं हुआ है। देखिए कितने आराम से कट जाता है। ये सैलेड की बात करो कि इसके अंदर देखिए एक स्पेशल इन्होंने चाट मसाला अपना मिलाया है, देखते हैं कि ये मसाले में क्या जादू है। ये इनका खुद का क्रिएट करा हुआ चाट मसाला है जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक एंड माइंड ब्लोइंग है। यहाँ पे मेंशन है कि इनकी कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं है, क्योंकि बॉम्बे के अंदर मैंने देखा इनके नाम के एक दो रेस्टोरेंट्स हैं बट वहाँ का खाना इतना लजीज नहीं है। तो मैंने इनको पूछा कि आपकी बॉम्बे में भी ब्रांच है, सेड नो हमारी यहाँ पे कहीं पे भी कोई ब्रांच नहीं। ये वाला खाना मुंबई के अंदर तो गाइस बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगर आपका मन है ऑथेंटिक ढाबे वाला खाना खाने का एकदम महंगी वाली एरिया में जो कि है कैनॉट प्लेस, देन यू हैव टू विजिट कक्के द ढाबा, क्योंकि कक्के द ढाबे का जो पंजाबी खाना है ना वाकई आपका दिल छू लेता है। इट्स स्नैक टाइम गाइस, और जब दिल्ली के फेमस खानों की बात हो रही है तो यहाँ की चाट खाना तो लाजमी है। तो चाट खाने के लिए गाइस मैं आ गई यूपीएससी भवन में प्रभु जी चाट शॉप के अंदर। इनके गूगल में 2300 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, एंड चाट शॉप के लिए इतने ज़्यादा रिव्यू होना वाकई काबिल तारीफ वाली बात है। तो चलिए आज हम भी इनके जायकों का लुत्फ लेते हैं और देखते हैं कि दिल्ली की चाट का जो जादू है वाकई चलता है या नहीं। तो आइए, नमस्ते नमस्ते, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा दिलीप कुमार नाम है। दिलीप कुमार जी, अरे वाह वाह, देखिए दिलीप कुमार जी आप मौजूद हैं, सीधे मुंबई से यहाँ दिल्ली आए हैं। तो हमने आपकी चाट के बारे में इतना सुना है क्योंकि बम्बई में हमको इस तरीके की चाट खाने को नहीं मिलती है जो दिल्ली के जायके है। तो आप मतलब क्या खाऊं मैं आपकी चाट के अंदर? जो चीज अच्छी है, देखो बल्ले पापड़ी है, बल्ले पापड़ी है, आलू चाट है। तो सबसे पहले तो गोल गप्पे हो जाए, क्योंकि हम लड़कियों को जो गोल गप्पे जो हमारी वीकनेस है ना वो तो मतलब क्या ही, तो गोल गप्पों से शुरुआत हो जाए। चलिए आइए गोल गप्पे खाते हैं। ये देखिए गाइस इनका मस्त मस्त एकदम ठंडा ठंडा गोल गप्पों का पानी जो है तैयार है, और यहाँ पे अब देखते हैं कि कैसे जायके निकलते हैं गोल गप्पों के। वैसे आई एम श्योर दिल्ली है तो गोल गप्पे एकदम मस्त मस्त होने वाले हैं।
ये देखिए गप्पो के अंदर गया मस्त मस्त मसाला और चटनी, और यहाँ पे आ गया हमारा पहला पहला गोलगप्पा। ये सूजी का गोलगप्पा लग रहा है मुझे गाइस। वाकई यार एकदम गजब का पानी है, ठंडा है, खट्टा है, चटकदार पानी, मतलब खाते आपको ऐसा लगेगा जैसे अम्बाला में आप एकदम करंट वाले गोलगप्पे खाते हैं, वैसा ही स्वाद मुझे यहाँ पे आ रहा। सो गाइस अब बारी आई है गर्मा गर्म आलू की टिकिया खाने के। तो देखिए यहाँ पे डीप फ्राई हो रही है हमारी आलू की टिकिया, शिकाय एकदम कुरकुरी कुरकुरी जो है ये फ्राई होके निकल के आएंगे। खाने के बाद ही बताऊंगी कि ये टिकिया में कितना गजब का स्वाद है। तो भैया हमको एक प्लेट आलू की टिकिया लगा दीजिएगा। ये देखिए टिकिया को इस तरीके से बीच में से कट करा जा रहा है, मुझे इसके अंदर कोई फिलिंग भी नज़र आ रही है। भैया काय की फिलिंग है, दाल की? ओके और यहाँ पे अब आया इनकी खट्टी मीठी चटनियों का जादू। यहाँ पे आ गई हरी वाली चटनी, ये आ गई सोट की मीठी मीठी चटनी, और अब आएगा मस्त ठंडा ठंडा दही। ऊ ला ला। सो गाइस ये आ गई मेरी 70 रुपीज की मस्त मस्त आलू की टिकिया। देखिए देखिए यहाँ धनिया टमाटर नहीं डालते, यहाँ पे प्याज के ऊपर मसाले वसाले डाल के इस चाट को जो है डेकोरेट करा गया है, और ये एकदम ही क्रिस्पी क्रिस्पी चाट लग रही है। देखिए प्याज को थोड़ा हम इधर उधर करते हैं। ये इनका जो आलू है इसके अंदर देखिए दाल भी भरी गई है, जो मुझे चने की दाल लग रही है। अभी खा के बताती हूँ ये कैसी है। हाँ एकदम गर्मा गर्म आलू की टिकिया है, अंदर का आलू इतना ज़्यादा गर्म हो गया है। इसके अंदर जो आलू का स्वाद होता है ना वो एक्चुअली आ रहा है, अदरवाइज आप कहीं पर भी आलू की टिकिया खा दो इतना ज़्यादा उसके अंदर आरा रोट डाल देते हैं कि वो जो आलू का स्वाद है ना वो कहीं गुम सा हो जाता है। अब जुगलबंदी हुई है चटनियों की, वो वाकई काबिले तारीफ है। एंड इनकी आलू की टिकिया के अंदर है दाल वाली फिलिंग, जो बहुत ही यूनिक मुझे लगी। एंड वाकई यार इसको खा के ना ये बारिश के मौसम में चटनी चाट वाट खा के वाकई मज़ा आ जाता है। इट्स डिनर टाइम गाइस, और डिनर करने के लिए अगर आप दिल्ली में कोई जगह ढूंढ रहे हैं देन यू हैव टू कम चांदनी चौक, क्योंकि इन्हीं तंग गलियों में तो छुपे हैं असली दिल्ली के जायके। तो गाइस मैं आ गई हूँ चांदनी चौक में खान ऑमलेट कॉर्नर पे, और यहाँ पे मैं खाऊंगी इनका कुछ स्पेशल सा ऑमलेट, जहाँ पे देखती हूँ कि इनके जायके वाकई मेरे को सेटिस्फाई कर पाएंगे कि नहीं। दोस्तम नमस्ते, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अरे मैंने देख रही हूँ आपके यहाँ बहुत सारे अंडे के वैरायटी मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मुझे कौन सा अंडा आज खाना चाहिए? मतलब मुर्गी का तो मैं खाऊंगी, और यहाँ गाइस देख रही हूँ दो दो तरीके के अंडे यहाँ पे मिलते हैं आपको, फार्म वाले भी मिलेंगे, देसी अंडे भी आप रखते हैं। पहली बार देख रही हूँ कहीं पे देसी अंडे दिख रहे हैं। हमारा 12 महीने मिलेगा, 12 महीने मिलेगा, पर ये तो गर्मी बहुत ज्यादा कर देता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो ये बताइए हम कौन सा अंडा रहेगा जो आपका एकदम स्पेशल? खान स्पेशल देसी अंडे खाओ, देसी अंडे का दे। अरे गर्मी करते हैं पिंपल ना निकला है मेरे। एक तो चलिए खान स्पेशल ऑमलेट लगा दीजिएगा। देखिए भैया खुद हमारे लिए स्पेशल प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो गाइस अमूल का पूरी की पूरी टिकिया आ चुकी है, और यहाँ पे देखिए कितनी सफाई से कितने बढ़िया तरीके से सारी जो टॉपिंग्स हैं इनके जितने भी अंदर इसके जाएंगे साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे रखे हुए हैं। और क्योंकि भैया ने बोला है देसी अंडे का खाइएगा तो हम देसी अंडे का खाएंगे। ये देखिए बटर एकदम मस्त पिघल गया एकदम, क्या बात। अरे वाह इसके अंदर तो गाइस दो दो योग निकल गया है। ओ माय गॉड ये तो अंडे बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं करेंगे पक्का? ओके एंड ये देखिए यहाँ पे इनके मिर्च मसाले आ गए, सारी टॉपिंग्स आ गई है, धनिया वनिया हरी मिर्चे प्याज टमाटर, ओके अदरक भी आती है, वाह ओके पनीर। ओहो ये तो फुल्ली लोडेड जो है ऑमलेट बन के तैयार होगा। एंड ये हाफ फ्राई है गाइस, इसको पूरा नहीं पकाया जाएगा, इसके योग जो है वो रनी रहेंगे। और अब गए इनके और स्पेशल मसाले, अंडे की जो प्रिपरेशन है देख कर ही मुँह में पानी आ गया, लवली। ओके क्या बात है, इतने सारे बटर के अंदर फुल्ली लोडेड ऑमलेट आया है। ओ माय गॉड जस्ट लुक एट दिस गाइस, यहाँ पे हाफ फ्राई के ऊपर जो मस्त अमूल चीज की स्लाइस रखी है, ओ माय गॉड। और अब देखिए गाइस दो दो अमूल की टिकियाएं गई है पैन के अंदर, एंड जस्ट लुक एट इट, यहाँ पे प्याज हरी मिर्चे जितनी इनकी टॉपिंग है सारी की सारी आ जाएंगी। एकदम रंगत जो है बटर के अंदर जब ये सब्जियाँ पकती है ना वाकई बहुत ही सुंदर दिखती हैं। एंड यहाँ पे इस ग्रेवी के अंदर गाइस बॉइल्ड एग जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे आ गए दो बॉइल्ड अंडे, यानी कि पूरी की पूरी डिश 4 अंडों की हो गई। ओहो क्या बात है। एक चीज मैं नोट कर रही थी बहुत अच्छी लगी कि आप यहाँ पे कोई मेयोनीज व्योनीज का इस्तेमाल नहीं करते, डेकोरेशन करेंगे ना वो अमूल क्रीम से करेंगे। ओहो ओके लवली, ये देखिए क्या बढ़िया ग्रेवी जो है इनकी बन के तैयार हो रही है। ये देखिए अब इसके अंदर मसाले वसाले आ गए, लाल मिर्च आ गई है,
धनिया पाउडर, नमक वमक सब कुछ आ चुका है। एंड बटर के अंदर इतना ज़्यादा इसको बटर बाद दिया गया है कि वाकई दिखने में तो एक काबिले तारीफ लग रहा है। गाइज ये जो अंडे की प्रिपरेशन है बिल्कुल भी फ्यूजन अंडे वाली प्रिपरेशन नहीं है, एक ऐसी प्रिपरेशन है ऑथेंटिक जो हम बचपन से खाते आए हैं वैसी की वैसी है। स्वाद जरूर अलग होगा क्योंकि दिल्ली छे का स्वाद में तो वाकई मजा आ जाता है। ओह माय गॉड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल, बहुत ही माइंड ब्लोइंग अंडे की प्रिपरेशन लग रही है। मेरा तो बस मुँह में पानी आता जा रहा है कि कब मैं इस डिश को जो है ट्राई करूँ। ये देखिए गाइज यहाँ पे अमूल की चीज से ही इसको डेकोरेट करा जा रहा है, कोई भी मेयोनीज नहीं है। सो गाइज यहाँ पे हमारे अंडे की प्रिपरेशन तैयार होगी। खान स्पेशल ऑमलेट मैंने लिया है जो 225 रुपीज का पड़ा है। सो जस्ट हैव अ लुक, ये देखिए क्या सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट करा है, सजाया धजाया गया है। एंड ये वाकई बहुत ही ज्यादा हैवी ड्यूटी डिश है, उसके साथ आपको 4 ब्रेड के स्लाइसेस भी दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर का जो एग योग है जो मैं फोड़ना चाहती हूँ, मेरे ख्याल से तो मुझे दिख जाएगा। आ हा हा हा, ये देखो ला ला क्या बात है, ये देखो हाफ फ्राई का अभी भी जो है एग योग बिल्कुल रनी है। सबसे बढ़िया बात लगी मुझे इस डिश की, इतनी देर से हम फोटो वोटो खींच रहे हैं उसके बाद भी ये पका नहीं है, हल्का हल्का सा रनी छोड़ा हुआ है। ऑल राइट गाइस, ये देखिए ये इनकी जो है सेमी ड्राई ग्रेवी है इसके ऊपर आ जाती है। यार भैया ने सही बोला था, देसी अंडों का जो स्वाद है ना वो मतलब वाकई काबिले तारीफ है, बहुत यूनिक ये डिश है। जैसे सूरत के अंदर अगर आप घोटाला खाओगे ना तो उसकी ग्रेवी नीचे होती है, हाफ फ्राई ऊपर होता है, एंड यहाँ पे हाफ फ्राई नीचे है और एग की ग्रेवी जो है ऊपर है। इसमें जो यूनिकनेस है ना वो मैं बताऊँ, इन्होंने ओरिजिनल अमूल के जो प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, जो अमूल का बटर का स्वाद आ रहा है, आय हाय हाय है काबिले तारीफ, और अमूल का चीज़ लाइक प्लस इसके अंदर जो अदरक इन्होंने डाली है ना वो काफ़ी यूनिक टेस्ट ऑमलेट के अंदर ऐड करी है। मैंने आज तक कभी भी अंडे के अंदर अदरक नहीं डाली है गाइस, ट्राई करके आप भी देखना कमाल लगेगा। एंड वाकई यार ये जो ऑथेंटिक रस्टिक जो स्वाद है ना वो आपको यहाँ चांदनी चौक में ही देखने को मिलेगा। इट्स डिजर्ट टाइम गाइज, और डिजर्ट खाने के लिए मैं आ गई हूँ कैन नॉट प्लेस की वेंगर बेकरी शॉप में, जो कि 80 साल पुरानी बेकरी शॉप है। एंड गूगल में इनके 13,000 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि वाकई ये मेरी स्वीट क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर पाएंगी या नहीं। सो कम सो गाइज यहाँ बेकरी के अंदर आके एकदम नॉस्टैल्जिया फील होता है, मतलब ओल्ड स्कूल बेकरी है, रस्टिक बेकरी है। बचपन में मैं दिल्ली आई थी तो यहाँ की बेकरी से मैंने बहुत सारी पेस्ट्रीज खाई थी, आई रिमेंबर। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रेड आइटम दिख जाएंगे, बेकरी आइटम दिख जाएंगे, गाइज तरीके की पेस्ट्रीज केक्स एंड बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, इवन वॉफल्स भी यहाँ पे बनाते हैं। बट हम हैं थोड़े से ओल्ड स्कूल तो हम यहाँ पे खाएंगे मेरी फेवरेट पेस्ट्री। तो चलो दिखाती हूँ क्या खाने वाली हो। ओके गाइस यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो हम बचपन में खाया करते थे वो थी ये पाइनएप्पल पेस्ट्री एंड ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री है, मुझे आज भी उतनी ही पसंद है। ये वाली पेस्ट्री खाने में जो मजा आएगा, जो आनंद आएगा ना, मुझे नहीं लगता आजकल के वॉफल्स में वो मजा आता है। गाइज 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 यहाँ पे बचपन की फेवरेट पेस्ट्रियाँ वापस खाने का मौका मिला है। तो देखो यहाँ पे पाइनएप्पल पेस्ट्री है, ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, तो सबसे पहले तो मैं खाऊंगी मेरी हाय ऑल टाइम फेवरेट पाइनएप्पल पेस्ट्री। आई कॉन्ट बिलीव दैट जैसे बचपन में खाते थे ना पाइनएप्पल पेस्ट्री, एकदम वैसे का वैसे ही स्वाद है। एंड ये इतनी सॉफ्ट है, इतनी मतलब इसको बोलते ना एकदम तरो ताज़ी बनाई हुई पेस्ट्री है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। चलो अभी खाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट वाली भी। वैसे आप में से ये दोनों पेस्ट्री किस किस को पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस ज़रूर बताना। यार ये पेस्ट्री खा के यार सच में यार बचपन की यादें जो है ताज़ा हो चुकी है। एंड आज के चैलेंज को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये दिल्ली का फूड चैलेंज अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। अब मिलूंगी किसी और चैलेंज में, तब तक के लिए बाय।